वेलकम क्लास सेवेंथ स्टूडेंट, वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर। पहला चैप्टर कर रहे हैं इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर मींस नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। आवर टुडेज टॉपिक इज इफ़ वी सब्ट्रैक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर, वी गेट पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एज आवर आंसर। ओके, एंड वी मूव लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। देखिए, लेट टेक एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर हम दो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स को, धनात्मक पूर्णांकों को, पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर मिलेगा आंसर में, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा आंसर में, और हम नंबर लाइन पे लेफ्ट में मूव करेंगे। ठीक है, कैसे? लेट टेक एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर हमने 3 लिया और दूसरा हम क्या ले रहे हैं 1, ये दो ले लेते हैं। और हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं। ओके, 3 माइनस 2। देखिए, यहाँ कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कोई डिवाइड का साइन नहीं है, इसका मतलब या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, जब भी दो अपोजिट साइन की वैल्यू देखो, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव लगने से ये नंबर कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो दो अपोजिट साइन की वैल्यू होती है तो सब्ट्रैक्शन करना है, और वैसे भी यहाँ तो आपके लिए क्लियर ही लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, है ना। तो 3 माइनस 1 इज़ 2। अब देखा, आंसर का साइन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ये कैसे पता लगेगा पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव, कंपेयर करेंगे कुछ देर के लिए माइनस के साइन को भूल के 3 और 1 में। 3 और 1 में कंपेरिजन करने पर पता लगा 3 ग्रेटर है 1 से, 3 बड़ा है 1 से। अब यहाँ पर वापस से इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखिए, 3 का साइन क्या है, प्लस का, तो आंसर का साइन भी क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो देखिए इस केस में आपको क्या मिला, जब हमने एक पॉजिटिव, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें अभी यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिला। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये कि हम क्या करते हैं, 1 को पहले लिख देते हैं, है ना, और 3 को बाद में, और हमें ऑपरेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करो, बीच में माइनस का साइन लगा दिया, दोनों अपोजिट साइन के सब्ट्रैक्शन होगा। देखिए, सब्ट्रैक्ट, कन्फ्यूज़ मत होइएगा कभी भी, दो अपोजिट वैल्यू तो सब्ट्रैक्शन करना है। अब बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करें, 1 तो पहले छोटा नंबर लिखा हुआ है, ऑलवेज बड़े नंबर में से छोटा नंबर, कुछ देर के लिए साइन फॉरगेट कर लीजिए, आपको बस ये पता लग गया सब्ट्रैक्शन करना है, 3 माइनस 1 2। अब हम हमारे आंसर को साइन देंगे, या तो उसको नेगेटिव साइन मिलेगा या पॉजिटिव, कुछ देर के लिए साइन भूल जाते हैं, कंपेयर करते हैं 3 और 1 में, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ वापस से क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन में 3 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, देखो ये दोनों पॉजिटिव थे, ये तो ऑपरेशन का माइनस साइन है तो आपके ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये ऑपरेशन था, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये ऑपरेशन का साइन है। जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो, या तो आपको आंसर में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना, या आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अभी इस वाली लाइन पे हम आते हैं, वी मूव लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बना लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए पहले हम कर लेते हैं। तो देखिए, नंबर लाइन में सेंटर हम बनाते हैं 0, ओके, देन 1 2 3, और नेगेटिव साइड में भी बना लेते हैं -1 -2, ये डिविजन्स कहलाते हैं, है ना, ये बराबर बराबर गैप पे ही होता है, ये इक्वल गैप्स पे होते हैं डिवीज़न। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है नंबर 3 से, पॉजिटिव 3 से, ये अवर स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 से हम जंप करके 3 पे आ गए। अब हमें जो रेसिंग स्टार्ट करनी है अपनी, है ना, रनिंग का ट्रैक होता है ना, जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, तो ऐसे ही आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3 है। फिर नेगेटिव मीन्स, देखिए नेगेटिव का मतलब होता है बैकवर्ड या लेफ्ट डायरेक्शन, ओके, एंड पॉजिटिव का मीनिंग होता है फॉरवर्ड या राइट डायरेक्शन। सो अब आपको नेगेटिव का मतलब है आपको 3 से लेफ्ट साइड में मूव करना है, यानी बैकवर्ड मूव करना है, और कितना स्टेप्स, ये आपको स्टेप्स बताता है, 1 स्टेप। तो आप 3 से किस पे जंप करके आ गए, 2 पे, ये फाइनल आपका आंसर है। देखिए आ रहा है आपको पॉजिटिव 2। ठीक है, अब हम दूसरे वाले एग्जांपल के लिए, देखिए
आप नंबर लाइन पे कहाँ मूव कर गए बच्चों? वी मूव लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, तो हम नंबर लाइन पे अभी लेफ्ट मूव कर गए। अब देखिए दूसरे एग्जांपल में भी आप ऐसा केस कर रहे हैं ना, जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज नंबर लाइन पे तो लेफ्ट में ही मूव करेंगे। देखिए अब याला मैं केस बना देता हूँ, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ऐसे ही इधर 1 2 3। ये देखिए ये नंबर लाइन पे मुझे कैसे पता लगा कि मुझे इतने ही डिवीज़न काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने अपने नंबर्स देखे 1 और 3। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग नंबर मेरा क्या है बच्चों? 1, ये मेरा स्टार्टिंग नंबर है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस 3 पे जम कर लो, इसका मतलब है देखो ये लेफ्ट डायरेक्शन, ये सेफ डायरेक्शन शो कर दिया, अब आपको 3 पे फोकस करना है। 3 मतलब 3 स्टेप्स, ओके। ये मतलब नहीं है कि माइनस 3 पे आना है, तो 3 स्टेप्स मूव करते हैं 1 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, ये देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में, एंड 3 स्टेप। तो आप 3 स्टेप जम करके किस नंबर पे आ गए? माइनस 2 पे। देखिए ये आपका आंसर आ रहा था। सो अब हम मूव नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 नेगेटिव इंटीजर वी गेट ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में हमें या तो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या नेगेटिव नंबर मिलेगा, ओके। और हम नंबर लाइन पे कहाँ मूव कर जाएंगे? राइट, ये ऑलवेज होगा, नंबर लाइन पे राइट मूव करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम 3, ओके। एग्जांपल हम ले रहे हैं -3, एक नंबर तो मैंने -3 लिया, ओके। दूसरा नंबर मैं ले रहा हूँ -1, और हमें करना क्या है बच्चों? सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ अब आप देख रहे होंगे इस 1 से पहले 2 नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो कभी भी किसी नंबर से पहले 2 साइन नहीं आ सकते, तो उससे हमें ओवरऑल 1 साइन बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को रिमूव करके इनटू का साइन आ जाएगा। देखिए इस -1 का मतलब है -1, और ब्रैकेट का मीनिंग है इनटू, और ब्रैकेट में भी क्या है? -1। देन माइनस इंटू माइनस, सेम साइन को इनटू करते हैं तो रिजल्ट प्लस आता है, और 1 इंटू 1 1। तो ये ओवरऑल सॉल्व होके आपके क्या हो गया? पॉजिटिव 1 हो गया, ठीक है। नाउ अब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, इनके बीच में कोई इंटू और डिवाइड का साइन नहीं है, इसका मतलब आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से एक ऑपरेशन करना है। जब भी दो वैल्यू अपोजिट साइन की है तो आपको सब्ट्रैक्शन डन करना है, अगर इंटू और डिवाइड का साइन उनके बीच में नहीं है। तो देखिए 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, कितना आया? 2। अब कंपेयर करेंगे 3 और 1 में बड़ा कौन है? 3। 3 का साइन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? माइनस। आंसर का साइन भी क्या आएगा आपके? माइनस आ जाएगा, ओके। सो ये आ गया आपका आंसर नेगेटिव। अब हम इसी एग्जांपल को थोड़ा, है ना, पहले नंबर लाइन पे देख लेते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये नंबर लाइन आपने बनाई, ठीक है, ये सेंटर ऑफ नंबर लाइन, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ 1 2, ये डिवीज़न एकक बराबर बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, ओके। इनकी गैप जो होती है, इसलिए स्केल से बनाना चाहिए। अब देखिए स्टार्टिंग नंबर, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ओके। अब ये क्वेश्चन नहीं, अब ये क्वेश्चन है आपका, -3 से स्टार्ट करना है आपको, ये स्टार्टिंग पॉइंट। किस डायरेक्शन में? प्लस, प्लस मतलब राइट डायरेक्शन, 3 -3 से राइट में मूव करना है। कितने स्टेप्स? 1 स्टेप। -3 से मूव करके आप किस पे आ गए? -2। तो आपका आंसर देखिए यही आ रहा था, ठीक है। तो आप राइट वर्ड मूव करा आपने। अब हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा। नाउ अब हम क्वेश्चन में -1 को पहले लिख देते हैं और -3 को बाद में लिख देते हैं, और ऑपरेशन किसका करना है? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सेम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, -, देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, -इंटू माइनस प्लस, और ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखने का मतलब है 1, क्योंकि हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में 1 ऑलवेज प्रेजेंट रहता है उसका, क्योंकि वो फैक्टर होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो टॉपिक आपने पढ़ा था, है ना। हर एक नंबर के मल्टीप्लाई और डिवाइड में 3 इंटू 1 लिखो या नॉर्मल 3 लिखो, 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखो या नॉर्मल 3 लिखो, दोनों का, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। तो इस माइनस का मतलब है -1 लिखा हुआ ब्रैकेट के बाहर, है ना, -1, फिर ब्रैकेट को हटाते हैं तो इंटू का साइन आता है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? -3, -(-), सेम साइन को जब भी इंटू करते हो तो रिजल्ट प्लस आता है, और 3 वन जा कितना होता है? 3। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो
तो आपके पास क्या आ रहा है बच्चों फाइनल, आपके पास आ रहा है प्लस का 3। अब देखिए दोनों अपोजिट साइन के, इनके बीच में इनटू डिवाइड साइन नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो जब दो वैल्यू अपोजिट साइन की हो और उनके बीच में इनटू डिवाइड का साइन नहीं हो, इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो देखिए 3 में से 1 गए 2। अब आप कंपेयर करेंगे 3 और 1 में बड़ा कौन, 3 बड़ा होता है, साइन फॉरवर्ड करके कुछ देर के लिए। अब वापस क्वेश्चन पे मूव करें, मूव करके आए क्वेश्चन पे, अब 3 का साइन पे फोकस करेंगे, 3 का साइन कितना दिया हुआ है प्लस, तो आंसर का साइन भी क्या होगा आपका प्लस। अब आप इसको नंबर लाइन पे देखिए, नंबर लाइन पे हम जब देखेंगे तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होगा, है ना, क्योंकि इस तरह के केस में हमेशा हम नंबर लाइन पे राइट में मूव करते हैं। तो देखिए 0 ये -1, -2 इधर 1 2 3। ओके, एक और बनाना डिवीजन तो और बना लीजिए, स्टार्टिंग नंबर इज -1, ये क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग नंबर इज -1, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, किस डायरेक्शन में प्लस यानी राइट डायरेक्शन में, -1 से राइट डायरेक्शन, कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, फाइनल मूव करके किस पे आ गए आपके आंसर पे, यानी 2 पे। तो आप देख रहे हैं इस तरह के केस में हम नंबर लाइन पे ऑलवेज काम मूव कर रहे हैं राइट में, और आंसर में या तो आपको नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो थैंक यू स्टूडेंट।